हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। अगर आपकी मछलियाँ भी टैंक के बॉटम पर बैठती हैं और आप उनका कारण जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला कारण है वाटर टेम्परेचर। तो दोस्तों, ठंडियों का मौसम आ चुका है, अगर वाटर टेम्परेचर आप नॉर्मल नहीं रखोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपकी जो फिशेस हैं वो ठंडी के कारण, ठंडे पानी के कारण वो टैंक के बॉटम में बैठेंगी। ठीक है, तो टैंक वाटर टेम्परेचर क्या करता है, फिशेस को अफेक्ट करता है, जिसके कारण वो नीचे बैठी रहेंगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप हीटर लगाएं अपने टैंक में। अगर हीटर नहीं है तो हीटर जल्दी से लेके आएं, हीटर को 28 डिग्री पे सेट करें। अगर आपके पास 2 से 2.5 फीट का एक्वेरियम है तो 100 वाट का हीटर चलेगा। अगर आपके पास उससे बड़ा 3 फीट या 4 फीट का टैंक है तो आप उसके लिए 200 वाट का हीटर लगाएं, और उससे भी बड़ा टैंक है आपके पास तो आप दो हीटर 200 वाट के दो कोनों में लगाएं। तो दोस्तों, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंडियों के मौसम में वाटर टेम्परेचर जो है बहुत गिर जाता है, जिससे फिशेस अफेक्ट होती हैं और वो नीचे बैठती हैं, और ये कारण हो सकता है कि आपकी फिशेस कुछ दिनों में मर भी जाएं। तो जल्दी से जल्दी अपना हीटर अपने टैंक में लगाएं। तो दूसरा कारण है कि वो दूसरी मछलियों से डरती है। तो देखिए, आप जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हो कि गोल्डफिश भी एक दूसरे को अटैक करती हैं, या गोल्डफिश ही नहीं, अगर आपके पास बहुत सारे कम्युनिटी फिशेस हैं, एग्रेसिव फिशेस हैं, तो वो एक दूसरे को अटैक करेगी, जिसके कारण क्या होगा, आपकी फिश डर जाएगी, वो किसी एक जगह में छुपे रहने की कोशिश करेगी। तो बॉटम में, पत्थरों के नीचे, डेकोरेशन में, या कहीं पर भी वो बैठी रहेगी, छुपे रहेगी, तैरने की कोशिश नहीं करेगी। तो आप ऐसे फिशेस का ध्यान रखें, आप ऐसे फिशेस को एक साथ ऐड ना करें जो एक साथ नहीं रह सकती हैं। ठीक है, उनको अलग करें सबसे पहले, ताकि आपकी फिशेस अच्छे से रहें, हेल्दी रहें और खुश रहे और एक्टिव स्विम करते रहे, जिससे आपका टैंक भी अच्छा दिखेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्रेसिव फिश ही अटैक करती है, कोई भी फिश अटैक कर सकती है। तो आप अपने एक्वेरियम को कुछ समय दें, अपने फिश टैंक को कुछ समय दें, अपने फिशेस को देखें कि आपकी फिशेस कैसी हैं, उन्हें नोटिस करें और प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो गाइस, इसी के साथ हमारा तीसरा नंबर पे आता है प्रेगनेंसी। तो ये हो सकता है कि आपकी फिश प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं एक रेफरेंस के तौर पे, ये जो एक मौली फिश है वो एक प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो वो भी नीचे ही बैठी रहेगी, उसे वो टैंक के बॉटम पे बैठी रहेगी, वो देखेगी, क्योंकि वो जब देखोगे कि प्रेग्नेंट हो जाएगी फिश, तो वो खाना भी ठीक से नहीं खाएगी, वो टैंक के बॉटम पे ही बैठी रहेगी। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आपकी फिशेस टैंक पे बैठी रहती है। तो देख सकते हो कि सारी फिशेस घूम रही हैं, लेकिन वो वहाँ बैठी हुई है ताकि वो अंडे देने के जगह ढूंढती है, ताकि और कोई फिश उसे उसके अंडे को तकलीफ ना दे। तो गाइज, सबसे पहले आप क्या करें कि ऐसी फिशेस को अलग ब्रीडिंग टैंक में डालें। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सारे कारण अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।